दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत जगह पांडव गुफा एवं जलप्रपात, जो पन्ना से मात्र 14 किलोमीटर, खजुराहो से 34 किलोमीटर, छतरपुर से 62 किलोमीटर एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 481 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी जा रहे हैं पांडव केव्स एंड वाटरफॉल, और काफी घना जंगल है। आप देख सकते हैं आगे का नजारा, देखिए। इस जंगल से होते हुए हमें जाना पड़ेगा पांडव केव्स एंड वाटरफॉल। रास्ते पर आपको जंगली जानवर, बंदर, हिरन एवं अन्य जीव भी नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पांडव फॉल एवं गुफा में। यहां पर एंट्री फ्री नहीं है। यदि आप कार से जा रहे हैं तो आपको 250 रुपीस फीस देना पड़ता है गेट पर। साथ में आपको एक रिसिप्ट भी मिलता है। आपको एक गाइड भी मिलेगा जो पूरा पांडव फॉल एवं गुफा के बारे में पूरी जानकारी देगा। भैया जी है, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप ओमरे। संदीप ओमरे जी है हमारे साथ में। मैं गाइड हूँ और मैं आपको यहाँ की जानकारी दूंगा। यहाँ से मेन रोड से अंदर कितना किलोमीटर होगा? 600 मीटर की दूरी है सर। 600 मीटर की दूरी पर वाटरफॉल भी है और फॉल है केव से और स्प्रिंग वाटर। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। पांडव गुफा एवं जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित एक शांत झरना है। खजुराहो पन्ना राजमार्ग पर स्थित पांडव जलप्रपात पन्ना में दर्शनीय झरने में से एक है और खजुराहो दर्शनीय स्थलों के शीर्ष स्थानों में से एक है। पांडव फॉल एवं गुफा पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थित एक रमणीय जगह है। यह जगह प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक जगह का समावेश है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपनी व्हीकल पार्किंग लगा दी है। यह जगह ऐतिहासिक भी है क्योंकि इस जगह पर 4 सितंबर 1929 को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों के साथ एक बैठक की थी और अंग्रेजों से युद्ध करने की रणनीति बनाई थी। दोस्तों, आप जब भी पांडव फॉल एवं केव्स आएं, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं जो कि इस प्रकार है। यहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, कोई भी कचरा इधर उधर ना फेंकें। यहां पर आप पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं लेकिन खाना नहीं बना सकते। आपको टिफिन लेकर आना पड़ेगा और बैठ के यहाँ खा सकते हैं। मद्यपान प्रतिबंधित है। पांडव फॉल एवं उसके आसपास मधुमक्खियों का प्राकृतिक आवास है, इसलिए आग जलाना, बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है। यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है एवं एक भी गंदगी आपको नजर नहीं आएगी। सच में यह काबिले तारीफ है और यहाँ के गाइड इसका विशेष ध्यान रखते हैं। संदीप भैया जी, हमको क्या है यहाँ पांडव फॉल के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो बताइए भैया। ये सर, मैं जैसे कि बताया कि नीचे जाने के लिए पूना ही फॉरेस्ट है। हाँ, यहाँ से 9 पॉइंट पर देखे तो सामने केव से दिख रहे हैं। अच्छा, तो बाहर का पार्ट आर्टिफिशियल है, अंदर का नेचुरल है। और जो कुंडई हाड़ी है उसका 40 फीट है और जो सामने ब्रिज है ना, इस ब्रिज के नीचे से फॉल का पानी रनिंग करता है और आगे जाके कैन नदी में मिल जाता है। कैन नदी जो इंडिया में पहला नेशनल पार्क है जिसमें 55 किलोमीटर नदी टाइगर रिजर्व के अंदर से निकली है। अच्छा, जो कि भारत की सबसे साफ स्वच्छ नदी है कैन नदी, कर्णावती के नाम से। तो जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा विंध्याचल पर्वत है, पूरा ड्राई एरिया है। कहीं भी इसमें पानी का आपको देख रहा है, कहीं भी सोर्स नहीं है और ढाल भी इसी साइड है। लेकिन नीचे जैसे ही अपन जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है, क्योंकि इसी पहाड़ों के बीच से अंदर ग्राउंड नेचुरल स्प्रिंग वाटर गिरता है, क्योंकि 12 मार्च 24 घंटे गिरता है। तो वो पानी अपन नीचे जाके ही देख सकते हैं सर। और ये फॉल का जो पानी, इसकी स्पीड वर्तमान में इतनी है जितना आप लोग देख सकते हैं। ये कहाँ से आता है? ये अंदर ग्राउंड में लगता है। अच्छा। और ये सारे रॉक्सों से बरसात में बहुत अच्छा लगता है जी, क्योंकि सामने अगर वहाँ पे पत्थरों पे बैठ जाए ना तो पानी के फुहारे आते हैं और बहुत अच्छा दिखने को जाने में आता है। अपन इसी तरह से आप उतरेंगे फिर वहाँ पर। अज्ञातवास में समय बिताया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ जो गुफा दिख रहा है, अच्छा वहीं पर बिताए थे समय। ये आप अपने राइट में देख रहे हैं, सेडिमेंटी रॉक से। हाँ, ब्लैक बोर्ड और शेड बनता है। अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर का ये जो रॉक है इसी से ही ब्लैक बोर्ड और जो स्लेट है ना, इसी से ही बनता है। तो यहाँ कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है? यहाँ सर दिसंबर, जनवरी,
अच्छा भाई, हाँ हाँ हाँ, नवंबर इन दिनों मतलब, और जैसे कि अपना एक जैसे बरसात लग जाती है ना, तो बरसात में भी अच्छा लोगों का आना जाना बता। अच्छा उस टाइम क्या है यहाँ का जो नज़ारा है और भी सुंदर लगता होगा, है ना? एकदम सर नेचुरल ठंडक रहती है। पांडव जलप्रपात की ऊंचाई 25 मीटर है। बारिश के समय यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। यह क्षेत्र बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे औषधीय पौधे पाए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जलप्रपात के नीचे बहुत बड़ा जलकुंड है जिसमें मछलियों की नर्सरी तैयार होती है। जलकुंड का पानी साफ सुथरा है। यहाँ पर मछलियाँ आपको साफ साफ दिखाई देती हैं। यहाँ पर मछली के बच्चे जन्म लेकर बड़े हो जाते हैं और बारिश के मौसम में बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं और केन नदी पर ये मछलियाँ मिल जाती हैं। जलप्रपात में बरसात से ठंड तक पानी रहता है। आप इस समय झरने को देखने आ सकते हैं। कुंड में 12 माह पानी उपलब्ध रहता है। कुंड में पानी रहने के कारण यहाँ पर पक्षी की चहल पहल बनी रहती है। यहाँ पर आपको अर्जुन के बहुत सारे पेड़ देखने मिलते हैं जिनमें मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। इन छत्तों के शहद के कारण भालू इन पेड़ों पर चढ़ते हैं। भालुओं के नाखूनों के निशान आप यहाँ के पेड़ों पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर झरने में उतरना मना है। झरने के पास प्राचीन गुफाएं हैं, आप इन गुफाओं को देख सकते हैं। पांडव फॉल एवं गुफा में गर्मी में भी पहाड़ों से पानी बूंद बूंद गिरता रहता है जो आपको बारिश का एहसास दिलाता है। जो पानी पहाड़ों से टपकता है लोग उसको बोतल में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। कहते हैं कि यह जो पानी रहता है यह मिनरल से भरपूर रहता है। यहाँ पर एक गुफा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस जगह पर रहते थे। दोस्तों, पांडव गुफा में पांडव कैसे रहते थे, अंदर से पांडव गुफा कैसा दिखता है, इस गुफा में कितने कमरे हैं, इसकी बनावट किस प्रकार है, कैसे बिताए होंगे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय में इस जगह पर, इसकी पूरी जानकारी के लिए देखें पांडव केव्स एंड वाटरफॉल्स सीरीज 2।